Good morning to all students. I am Akhil Jain, Faculty of Electrical Department, Government Polytechnic College, Chittorgarh. Students, आज का हमारा टॉपिक है Uni-junction transistor, UJT. Uni-junction transistor और UJT एक semiconductor device है जो कि negative resistance characteristics offer करता है, जिस कारण से इसका इस्तेमाल हम oscillator circuits में करते हैं. Uni-junction transistor का अगर हम internal circuit या उसके symbols की बात करें तो सामने आपको उसका symbol दिख रहा है. इसके अंदर तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एमिटर बेस वन और एक बेस टू. जो बेस है हमारा वो एन टाइप सिलिकन बार से बना होता है. यह जो एन टाइप सिलिकन बार है वो लाइटली डोप्ड होती है, जिसके अंदर हम पी टाइप की इम्प्योरिटीज इंजेक्ट करते हैं, जिससे यहाँ पर इस पोर्शन में एक पी एन जंक्शन बन जाता है, जो कि आप उसके इंटरनल डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे कि सामने एक पीएन जंक्शन डायोड बना रखा है. ऊपर का रेजिस्टेंस है RB2 और नीचे का रेजिस्टेंस उसका है RB1. मतलब इस लाइन से ऊपर का रेजिस्टेंस तो है RB2 और नीचे का रेजिस्टेंस है RB1. जो ऊपर वाला RB2 रेजिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, और जो नीचे वाला RB1 रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है. देख लेते हैं, जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसके अंदर दो रेजिस्टेंस है, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है RB2 और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है RB1, और एक डायोड है सिंगल डायोड D. अब जो RB1 है वो वेरी कैसे करता है, वो जब IE फ्लो करेगी सर्किट में, मतलब जो आपका ई पॉइंट है वहाँ से अगर कोई करंट आती है तब आपका RB1 जो है वो वेरी करेगा. यहाँ हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं. जो हमारा B1 और B2 है उसके बीच में हमने बैटरी लगा रखी है VBB, इसको हम बायसिंग वोल्टेज बैटरी कहते हैं, बायसिंग वोल्टेज कहते हैं. जो RBB है वो इक्वल है RB1 प्लस RB2 के. RB1 की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब IE ज़ीरो होगा. तो यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, IE ज़ीरो पर हमें RBB इज इक्वल्स टू RB1 प्लस RB2 है. VD जो हमारा वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, डायोड का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो है हमारा VDD, और इसकी वैल्यू सिलिकन के केस में होती है 0.7. अब अगर हम देखें कि अगर करंट की बात करें जो हमारे B1 और B2 के बीच में फ्लो करेगी, अगर IE ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, VBB अपॉन में RBB, मतलब टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट. ठीक है, ये हमने देख लिया. यहाँ देख लेते हैं एक बार इक्विवेलेंट सर्किट में क्या क्या है. RBB, हाँ एक चीज़ हम रह गई, RBB जो है उसको बोलते हैं इंटर बेस रेजिस्टेंस. कब, जब IE ज़ीरो हो. इसकी वैल्यू जो होती है वो 4 किलो ओम से 10 किलो ओम तक हो सकती है, और जिस जगह पर हमारा ई पॉइंट होगा उस पे डिपेंड करेगा कि RB1 और B2 की वैल्यू क्या होगी. अब जो हमने लिखा था नीटा VBB, वहाँ पहले वाले इसमें देखा आपने फिगर में इक्विवेलेंट सर्किट में, तो वही है नीटा VBB. नीटा VBB होता है इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशो. ये होता है RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2. अच्छा ये क्या है जो लिखा हुआ है, VRB1 इज इक्वल्स टू RB1 अपॉन में RB1 प्लस RB2 इंटू VBB. ये है वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट. ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज है ये. ये हमने वोल्टेज डिवीजन जो रूल है उससे निकाला है कि जो टोटल, अगर हमें किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस को उस टोटल वोल्टेज से डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. वही हमने लिखा है यहाँ पर, नीटा जो है वो RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 के इक्वल होता है, और इसको हम वापस बोलता देता हूँ क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशो कहते हैं. इसकी वैल्यू
0.4 से 0.85 तक वेरी करती है। नीटा RB1 अपॉन में RB1 प्लस RB2 जब IE 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, IE को फ्लो करवाना है हमें, तो कैसे कराएंगे? हम VE की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आप VE की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, इनिशियली जो वो VD है, जो मतलब हमारा डायोड है, वो रिवर्स बायस में होगा, क्योंकि VRB1 की वैल्यू VE से ज़्यादा होगी। अब आप धीरे 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 करते करते अगर आप VE की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि जब VE की वैल्यू VD प्लस RB1 से ज़्यादा हो जाएगी, तब इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यह करंट क्या करेगा, धीरे धीरे जब ये इस करंट फ्लो होगा, तो जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है B1 और डायोड के बीच वाला जो पोर्शन है, उसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे। जो पी टाइप है वो अपने होल्स को एन टाइप के अंदर फ्लो करवाएगा, जिस कारण से उस एरिया के अंदर हमारे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे। और जब भी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जब रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो करंट की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, बट वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसके अक्रॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज कम हो जाएगा, बट करंट की वैल्यू वो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप VE की वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो करंट की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी और वोल्टेज जो है वो कम होता जाएगा। इस ही को हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक। ये बात आपको समझ में आ गई? अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे करंट आ रहा है, और करंट आ रहा है, तो और कैरियर्स आ रहे हैं, और कैरियर्स आते जा रहे हैं, आते जा, बट एक सैचुरेशन वैल्यू तो आएगी उसकी। तो जैसे ही उसकी सैचुरेशन वैल्यू आएगी, उसके बाद करंट वोल्टेज और ज़्यादा कम नहीं होगा। और फिर अगर आप और वैल्यू बढ़ाते हैं VE की, तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उसी के साथ वोल्टेज भी बढ़ेगा। यही इसकी करेक्टरिस्टिक है, जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि किस पॉइंट के ऊपर आपका जो एमिटर है वो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, वो है VP। उसकी वैल्यू क्या है, जो RB1 वोल्टेज है उसकी वैल्यू, और VD, इन दोनों के समेशन। RB1 तो होता है नीटा VBP, और VD इन दोनों के समेशन से जब ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा, तब ही हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में आएगा और उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ अब हम करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, वापस से एक बार और समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर। इनिशियली जब IE 0 था, तो जो हमारा VB था, VBB, उसके कारण RB1 और RB2 में वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। RB1 की वैल्यू उस टाइम पर मैक्सिमम थी। अब जैसे जैसे आपने VE को बढ़ाया, वैसे वैसे उसके अंदर कौन सी करंट फ्लो होने स्टार्ट हुई, लीकेज करंट ही फ्लो होगी, क्योंकि इनिशियली अभी जो आपका डायोड है वो रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस के कंडीशन में लीकेज करंट ही फ्लो होती है। वो करंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई, और वोल्टेज जो है वो आप जितना लगाते जाएंगे उसके अक्रॉस, वो उसके अक्रॉस अप्लाइड होता जाएगा। तो यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है, बट आप देख पा रहे हैं कि करंट बहुत ही कम इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत कम बढ़ी है, क्योंकि ये जो करंट है वो क्या है, लीकेज करंट है, जो कि उसके अंदर फ्लो कर रहा है, उसके अलावा और कोई करंट फ्लो इनिशियली नहीं करेगा। अब जब वो VP पे आ जाएगा, बढ़ते 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 जब वो VP पर आ जाएगा, जो कि जिसकी वैल्यू है VD प्लस नीटा VBB,
तो आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा तो उसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो RB1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जो हमारा पी टाइप है, जो हमारा डायोड में पी टाइप सेमीकंडक्टर है, वो अपने जो होल्स हैं उनको एन टाइप बेस के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, जब नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। वो और बढ़ते जाएंगे चार्ज कैरियर्स तो और रेजिस्टेंस कम, और बढ़ेंगे तो और रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जिसके अंदर हमारा अब और रेजिस्टेंस कम नहीं होगा, इसकी वैल्यू मिनिमम 50 ओम तक जाती है, इससे कम वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर आपने और रेजिस्टेंस कम करने की कोशिश करी तो वो कम नहीं होगा, आप करंट को और बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अब धीरे धीरे करते 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 यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस रीज़न को हम कहते हैं सैचुरेशन रीज़न। जो पहला रीज़न था जिसके अंदर करंट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ वोल्टेज बढ़ रहा था, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीज़न। सेकेंड रीज़न जिसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही थी और करंट की वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब रेजिस्टेंस नेगेटिव जा रहा था, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न। और फिर जो वैल्यू है VV विच इज़ कॉल्ड वैली वोल्टेज, यहाँ वैली पॉइंट आपको दिख रही है, ये वैली पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ये जो वैली पॉइंट है इस पर वैल्यू होती है वोल्टेज की VV और करंट की वैल्यू होती है IV, इसको वैली वोल्टेज और वैली करंट कहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमारा इस पॉइंट के बाद हमारा रेजिस्टेंस जो RB1 है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और अब वो एक नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट करेगा। जो डायोड की करेक्टरिस्टिक बनती है हमारी, वही सेम डायोड की करेक्टरिस्टिक उसकी फॉलो होगी।